हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नाउन एंड द जेंडर का थर्ड वीडियो, थर्ड पार्ट, जिसमें आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है, जिसको मैं लूसेंट बुक से कवर कर रहा हूँ, जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। दोस्तों, आप इस इंग्लिश ग्रामर के थ्रू जो है हर तरह के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो क्लास ए से जुड़ा हो, चाहे क्लास बी से जुड़ा हो, या सी से जुड़ा हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं नाउन एंड द जेंडर। दोस्तों, रूल नंबर 9 आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि एवरी वन, सम वन, एनी वन, नो वन, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनी बॉडी, नो बॉडी, ये सब क्या है? ये सब है इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्या होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस? इनका प्रयोग जो सामान्य रूप से कॉमन जेंडर के रूप में करते हैं, यानी कि इनका प्रयोग जो है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए सामान्य रूप से मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि शब्दों से फीमेल सेक्स का पता चलता है, यानी कि स्त्रीलिंग होने का पता चलता है, तब हम फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे, जो कि रहेंगे सी, हर, हर, हर सेल्स, हर सेल्फ। एग्जाम्पल देखिए, एवरी वन शुड माइंड इज बिजनेस, एवरी वन शुड माइंड इट्स बिजनेस। तो किसका प्रयोग है यहाँ पे? हिज और इट्स का। इट्स का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा? हिज का। नेक्स्ट है नो वन शुड ट्रबल हिज नेबर, और उसका अल्टरनेट है नो वन शुड ट्रबल इट्स नेबर। तो यहाँ पे हिज नेबर है, इट्स नेबर है, किसके लिए? नो वन के लिए। तो इसके लिए, नो वन के लिए किसका यूज होगा? इस पुल्लिंग शब्दों का, यानी कि हिज का। जब हमें एवरी वन या नो वन से हमें पता चलता है कि स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है, तब हम उनके साथ फीमेल प्रोनाउंस का यूज करेंगे, जो कि क्या है? सी, हर, हर सेल्फ, हर्स। नेक्स्ट आ जाता है एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। इनका प्रयोग किसके रूप में होता है? इनडेफिनेट प्रोनाउंस के रूप में। इनडेफिनेट प्रोनाउंस के रूप में यूज होता है एवरीथिंग का, समथिंग का, एनीथिंग का और नथिंग का। ये न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है, तो इनके साथ हमेशा न्यूट्रल जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउंस का प्रयोग होता है, जो कि है इट, इट्स, इट सेल्फ। ये सब क्या है? न्यूट्रल जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन। एवरीथिंग शुड बी कैप्ट इन इट्स ऑर्डर, और एवरीथिंग शुड बी कैप्ट इन इज ऑर्डर। तो इट्स और हिज का प्रयोग यहाँ पर किया है, जबकि एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये किसके रूप में यूज होते हैं? न्यूट्रल जेंडर के रूप में। इसलिए इट्स का प्रयोग करेंगे, ना कि हिज का। हिज का प्रयोग किसमें करेंगे? पिछले जो दो रूल हमने पढ़े हैं उनमें हम हिज यानी कि पुल्लिंग शब्दों के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है लोअर एनिमल्स, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी निर्जीव वस्तुएं या फिर छोटे प्राणियों के लिए हम नॉर्मली किसका यूज करते हैं? न्यूट्रल जेंडर का, जैसे इट्स, इट्स सेल्फ, इट्स। एग्जाम्पल समझिए, ही हैज किल्ड ए स्नेक, इट इज स्टिल लाइंग ऑन द रोड। तो स्नेक क्या है? एक लोअर एनिमल है, छोटा प्राणी है। तो इसके लिए किसका, इसके साथ किसका यूज करेंगे? इट का, जो जो कि न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन है। ही हैज किल्ड ए स्नेक, ही इज स्टिल लाइंग ऑन द रोड। स्नेक के लिए कभी ही का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है वी कैन नॉट राइट विद दिस पेन बिकॉज इट्स नेब इज ब्रोकन। तो और इसका अल्टरनेट है वी कैन नॉट राइट विद दिस पेन बिकॉज हिज नेब इज ब्रोकन। तो यहाँ पे निब क्या है? निब क्या है? निब है निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग। इसके साथ किसका यूज करेंगे? इट्स का, क्योंकि न्यूट्रल जेंडर को दर्शाती है, ना कि पुल्लिंग शब्द का। नेक्स्ट है दोस्तों रूल नंबर 12, जिसमें कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया गया है। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? वे न्यूट्रल जेंडर होते हैं, उनके साथ न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, इट, इट्स, इट्स सेल्फ का। कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं? जैसे कि ज्यूरी, कमेटी, क्लास, टीम, गवर्नमेंट, फैमिली, मोब, काउंसिल, आर्मी, क्राउड, क्रू, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इनसे समूह के होने का बोध चलता है, ग्रुप का पता चलता है। इनको हमेशा क्या माना जाता है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल जेंडर के साथ किसका प्रयोग करेंगे? न्यूट्रल प्रोनाउंस का। जैसे द कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 6 मंथ। सेकेंड है द कमेटी विल सबमिट देयर रिपोर्ट विद इन 6 मंथ। तो द कमेटी का प्रयोग हुआ है, जो कि क्या है? कलेक्टिव नाउन। इनके साथ किसका यूज होगा? इट्स का, ना कि देयर का। वैसे ही द टीम हैज डिक्लेयर्ड दैट इट विल विन द मैच। सेकेंड है द टीम हैज डिक्लेयर्ड दैट दे विल विन द मैच। तो टीम क्या? एक ग्रुप को, एक समूह को बताती है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? न्यूट्रल प्रोनाउन का, इट का, ना कि दे का।
अगर इन कलेक्टिव नाउन से हमें पता चलता है कि ये एक सदस्य के बारे में बताते हैं, किसी ग्रुप के प्रत्येक प्रत्येक सदस्य के बारे में बताते हैं, किसी ग्रुप के प्रत्येक सदस्य के बारे में बताते हैं, उस ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं उन सब के बारे में बताते हैं, तब हम इनके साथ प्लुरल प्रनाउन का प्रयोग करेंगे, किसका, जैसे कि दे, देम, देयर, देयर्स एंड देमसेल्स, द कमेटी हैव मेट एंड दे हैव रिजेक्टेड द प्रपोजल, सेकेंड द कमेटी हैव मेट एंड इट हैज रिजेक्टेड द प्रपोजल। या आपको मीनिंग समझने की कोशिश करनी होगी, कमेटी की मीटिंग हुई और उन्होंने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, या कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट किसने किया, सभी ने मिलके किया है, तो तब हम किसका यूज करेंगे, दे का, और इट का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 13, जिसमें बताया गया है कि यदि किसी कंट्री का नाम, किसी देश का नाम जियोग्राफिकल यूनिट के रूप में होता है तो इसको न्यूट्रल जेंडर माना जाता है, और न्यूट्रल जेंडर के साथ सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं, इट, इट्स सेल्फ, इट्स, ये सब क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन, किसके, न्यूट्रल जेंडर के, ना कि पुल्लिंग के, ना कि स्त्रीलिंग के, किसके, न्यूट्रल जेंडर के, उभयलिंग के। जैसे एग्जाम्पल है, लुकिंग एट द ग्लोब वी सी चाइना हियर, और सेकेंड है, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज इन एशिया। यहाँ पर चाइना का प्रयोग किसके रूप में हुआ, जियोग्राफिकल यूनिट के रूप में, ग्लोब के अंदर चाइना को दिखाने के लिए चाइना का प्रयोग हुआ है। तो सेकंड सेंटेंस में चाइना के लिए किसका यूज करेंगे, इट्स का, यानी कि न्यू जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन का। अगर इन्हीं देशों का नाम पर्सनिफाइड पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के रूप में, मानवकृत वस्तु के रूप में हो, पॉलिटिकल राजनीतिक के रूप में हो, इकोनॉमिक इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप में हो, तब इसे फेमिनिन जेंडर माना जाता है, और जब इसको फेमिनिन जेंडर माना जाता है, स्त्रीलिंग माना जाता है, तब हम किन प्रोनाउंस का यूज करेंगे, सी का, हर का, हर्स का और हर सेल्फ का। समझिए, जब देशों का नाम किसके रूप में यूज किया जाता है, मानवकृत वस्तुओं के रूप में, राजनीतिक के रूप में, आर्थिक रूप में, तब इनको माना जाएगा स्त्रीलिंग, तब देशों के नाम को क्या माना जाएगा, स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग प्रनाउन का यूज करेंगे, सर्वनाम का यूज करेंगे, जो कि सी, हर, हर्ष, हर सेल्फ होंगे। जैसे एग्जाम्पल है, अमेरिका इज प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट, अमेरिका इज प्राउड ऑफ इट्स साइंटिस्ट, तो अमेरिका यहाँ पे क्या दर्शाता है, अमेरिका यहाँ पर दिखाता है पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फेमिनिन वर्ड्स का, यानी कि हर का, ना कि न्यूट्रल का। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, हर सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं, देशों के नाम या तो न्यूट्रल रहेंगे या फिर क्या रहेंगे, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 14, जिसमें बताया गया कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके लास्ट में मैन लगा रहता है, और मैन को हटाकर पर्सन का प्रयोग फेमिनिन जेंडर के रूप में करते हैं, यानी कि मैन के साथ जेंडर के रूप में, फेमिनिन जेंडर के रूप में किसका प्रयोग होना चाहिए, उमन का, लेकिन किसका करते हैं, पर्सन का। जैसे कि चेयरमैन, चेयर उमन होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, चेयर पर्सन। वैसे स्पोक्समैन पुल्लिंग शब्द होता है, स्पोक्स पर्सन इसका स्त्रीलिंग शब्द होता है, ना कि स्पोक्स उमन, तो ये दोनों शब्द आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 15, जिसमें बताया गया है चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी, इनका प्रयोग कॉमन जेंडर के रूप में करते हैं, किसमें करते हैं, कॉमन जेंडर के रूप में करते हैं, तो इससे सामान्यतः सेक्स का पता नहीं चलता कि वो पुरुष है या फिर स्त्री है। इस तरह की स्थिति में जब हमें नहीं पता चले कि वो पुरुष है या स्त्री है, तब हम इनके साथ क्या लगाएंगे, न्यूट्रल जेंडर के प्रनाउंस, जैसे कि इट, इट्स, इट सेल्फ। अगर चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी से पता चलता है कि वो लड़का है, तब हम क्या लगाएंगे, हिज, हिम। अगर पता चलता है लड़की है, तब हम क्या लगाएंगे, सी, हर। लेकिन जब हमें पता नहीं चल रहा है कि वो पुरुष है या स्त्री है, तब हम उनके साथ क्या लगाएंगे, इट्स, इट्स, इट्स सेल्फ। जैसे द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेफ्ट लेग, और सेकेंड है, द चाइल्ड हैज ब्रोकन हिज और हर लेफ्ट लेग। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ऊपर है इट्स और नीचे है हिज और हर, क्योंकि द चाइल्ड है बच्चा है, बच्चा तो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, जबकि हमें पता नहीं चल पा रहा है, तब हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, इट्स का, ना कि हिज या हर का। लेकिन उपरोक्त नाउन से मेल या फीमेल सेक्स का पता चलता है, यानी कि पुरुष या स्त्री होने का बोध पता चलता है, मैस्कुलिन जेंडर या फिर फेमिनिन जेंडर के प्रनाउंस का प्रयोग करेंगे, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। जैसे एग्जाम्पल है, द चाइल्ड वाज ए गर्ल, सी वाज वेरी ब्यूटीफुल। द गर्ल, चाइल्ड क्या है, यहाँ पे गर्ल को दर्शा रही है, यानी लड़की का बोध करा रही है, इसलिए इसके साथ सी का प्रयोग करेंगे। वैसे ही नेक्स्ट है, द बेबी वाज ए बॉय, तो बेबी किसको दर्शा रहा है, लड़के को, तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, ही का, ही वाज एक्टिव। नेक्स्ट आता है रोल नंबर 16, जिसमें बताया गया है, यदि कॉमन जेंडर का प्रयोग जो है मेल सेक्स को डिनोट करने के लिए किया जाता है, तो इसके लिए मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करेंगे।
कॉमन जेंडर का प्रयोग किसके रूप में होता है, मेल सेक्स को दर्शाने के लिए यानी पुल्लिंग शब्द को बताने के लिए अगर कॉमन जेंडर का प्रयोग करते हैं तो हम इसके साथ मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। मैस्कुलिन जेंडर प्रोनाउन्स कौन से होते हैं, ही हिम हिज और हिमसेल्फ। जैसे एग्जाम्पल है, स्टूडेंट रीड्स इन माई क्लास, ही इज अ लेबोरियस एंड ऑनेस्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, कॉमन जेंडर है, लेकिन इसके साथ हमने किसका प्रयोग किया, ही का, जो कि एक पुरुष होने का बोध कराता है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे ही का। यदि कॉमन जेंडर के नाउन का प्रयोग फीमेल सेक्स को डिनोट करने के लिए प्रयोग किया जाता है तब हम इसके साथ किसका यूज करेंगे, फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउंस का, जो कि सी हर हर सेल्फ है। जो ये रूल नंबर 16 के जैसा ही है, अगर कॉमन जेंडर का प्रयोग मैस्कुलिन जेंडर के रूप में हो तब हम इन शब्द का प्रयोग करेंगे, अगर कॉमन जेंडर का प्रयोग स्त्री होने का बोध कराता है तब हम उसके साथ किसका यूज करेंगे, फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउंस का। जैसे एग्जाम्पल से, ए क्लर्क वर्क्स इन माई ऑफिस, सी हेल्प्स मी वेरी मच। तो क्लर्क के साथ किसका प्रयोग किया है, सी का। रूल नंबर 18 जिसमें बताया गया है कि कॉमन जेंडर का प्रयोग अगर क्लास को दर्शाने के लिए करते हैं तो इनके साथ हम किनका यूज करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउंस का, जो कि ही हिम हिज हिमसेल्फ है, और पोसेसिव एडजेक्टिव है, जैसे कि हिज या फिर देयर है। एग्जाम्पल समझिए, इफ एन स्टूडेंट कम्स हियर, इफ एन स्टूडेंट कम्स हियर आस्क हिम टू वेट फॉर मी, इफ एन स्टूडेंट कम्स हियर आस्क हर टू वेट फॉर मी। तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, हिम का, जो कि मैस्कुलिन जेंडर को दर्शाता है। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है रोल नंबर 19 जिसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे कॉमन जेंडर नाउन होते हैं, कुछ ऐसे कॉमन जेंडर के नाउंस होते हैं जिनके अगर आगे हम बॉय मैन और मेल लगा देते हैं तो वो बन जाते हैं मैस्कुलिन वर्ड्स, अगर हम उनके साथ गर्ल वुमन या फीमेल लगा देते हैं तब वो बन जाते हैं फेमिनिन जेंडर के वर्ड्स। जैसे कि मैन टीचर, मैन टीचर वुमन टीचर, तो मैन टीचर है तो मैस्कुलिन, वुमन टीचर है तो फेमिनिन। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड मैस्कुलिन, गर्लफ्रेंड गर्ल फॉर फेमिनिन। मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड, तो ये आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, आगे आ जाता है रूल नंबर 20 जिसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे नाउन का प्रयोग किया जाता है जो कॉमन जेंडर के रूप में होते हैं, जैसे एडवोकेट असिस्टेंट, जिनसे ना तो पुरुष होने का पता चलता है और ना ही स्त्री होने का पता चलता है। और कौन से शब्द है, कजन क्लर्क क्लाइंट क्रिमिनल साइकिलिस्ट डांसर डीलर डॉक्टर नोवेलिस्ट प्रोफेसर पोपिल सेक्रेटरी सिंगर वर्कर राइटर टीचर पॉलिटिशियन सर्वेंट टाइपिस्ट म्यूजिशियन मैकेनिक लेक्चरर लीडर लॉयर गेस्ट फ्रेंड फूल इंजीनियर हेल्पर। तो आपको इस तरह के शब्द मिलते हैं जिससे पता चलता है कि वे कॉमन जेंडर हैं, ना पुरुष के बारे में बताते हैं ना स्त्री के बारे में बताते हैं। तो इनका प्रयोग जो है जरूरत के मुताबिक मस्कुलिन या फिर फेमिनिन जेंडर के रूप में कर सकते हैं, पुरुष के रूप में भी कर सकते हैं, स्त्री के रूप में भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है ही इज माई डॉक्टर, तो यहाँ पर डॉक्टर का प्रयोग किसके रूप में दर्शाया, मैस्कुलिन जेंडर के रूप में। सेकेंड है सी इज माई डॉक्टर, तो यहाँ पे डॉक्टर का प्रयोग किसके रूप में दर्शाया, फेमिनिन जेंडर के रूप में। ही इज ए टीचर, सी इज ए टीचर, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। ये कॉमन वर्ड्स जो है इनको हम पुरुष और स्त्रीलिंग दोनों के रूप में कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट आ जाता है जब पालतू जानवरों का, जैसे कि कैट का डॉग का हॉर्स का, इनका प्रयोग जो है मैस्कुलिन जेंडर के रूप में होता है, यानी कि पुल्लिंग बताने के लिए होता है, तो इनके साथ हम क्या जोड़ेंगे, ही हिम हिज हिमसेल्फ या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव, जैसे कि हिज। जैसे कि योर डॉग हैज लॉस्ट हिज आइज, तो हिज आइज किसको दर्शाता है, मैस्कुलिन जेंडर को। सेकेंड है जब पालतू जानवर जैसे कि कैट डॉग हॉर्सेज जो होते हैं उनका प्रयोग जो है फेमिनिन जेंडर के रूप में होता है, तो इनके साथ हम क्या जोड़ेंगे, फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउंस, वो कौन से होते हैं, सी हर हर्स हर सेल्फ, और इनके साथ इनके पोजेसिव एडजेक्टिव भी जोड़ सकते हैं। तो एग्जाम्पल है आवर हॉर्स हैज लॉस्ट हर सेंस, तो यहाँ पर हर का प्रयोग किया है, फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन का प्रयोग किया है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड जिसमें बताया गया कि बोट या सीप जो होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल जेंडर, क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर, जिनके साथ हम किनका प्रयोग करेंगे, इट इट्स इट सेल्फ, बोट या सीप ना पुरुष जाति को बताता और ना ही स्त्री जाति को। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ जिसमें बताया गया कि अगर बोट्स और सीप का प्रयोग जो है नाविक है अपने नावों के लिए या फिर जहाजों के लिए करता है तब इनके साथ हम मैस्कुलिन वर्ड्स जोड़ सकते हैं या फिर फेमिनिन वर्ड्स जोड़ सकते हैं, यानी पुल्लिंग शब्दों का भी
प्रयोग कर सकते हैं और स्त्रीलिंग शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जब इनके रूप में इनका प्रयोग किया जाएगा तब किन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा? स्त्री के लिए, पुरुषों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा और स्त्री के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने रूल नंबर 9 से लेकर रूल नंबर 20 तक कवर किया है जो कि जेंडर के रूल्स हैं। तो आज की वीडियो के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर पे हमारे 3 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप इन वीडियो को देखिए। इनके साथ जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो लगभग आपको कंपटीशन एग्जाम में मिल जाएंगे। इनको 1 से 2 बार रिवाइज करिए और समझने की कोशिश करिए। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।